ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। सूरजपुर जिला पंचायत में अनियमितताओं की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीओ जिला पंचायत हटाए गए। प्रदेश में पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंचा। और चक्रवात असानी के कारण प्रदेश के मौसम में भी आएगा बदलाव, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। इसके तहत आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से कृष्ण कुंज में पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों से वन विभाग को कम से कम 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने की पहल करते हुए कहा है कि हमारे देश में बरगद, पीपल, नीम, कदम्ब और अन्य वृक्षों की पूजा करने की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों के दौरान नगरीय क्षेत्रों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अगर यही स्थिति जारी रही तो भावी पीढ़ियों को इन वृक्षों के परंपरागत महत्व के बारे में जानकारी तक नहीं हो सकेगी। इसलिए वृक्षों की अमूल्य विरासत का संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि मनुष्य के लिए जितने भी जीवन उपयोगी वृक्ष हैं उन्हें सभी नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर न सिर्फ लगाया जाए बल्कि उन्हें संरक्षित भी किया जाए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर जिला पंचायत में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को हटाने के निर्देश दिए। इसके तुरंत बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस राहुल देव को सूरजपुर से हटाकर जांजगीर चांपा जिला में अपर कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया है। वहीं लीना कोसम को सूरजपुर जिला पंचायत का नया सीईओ बनाया गया है। सूरजपुर में अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के कार्यों को समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायतों में कामकाज में सुधार लाने की जरूरत बताई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सूरजपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यहां पत्रकार भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि सूरजपुर जिले में राजस्व से संबंधित शिकायतों का निराकरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन में कसावट लाने के लिए ऑनलाइन कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा और पेंशन की ये तीनों जन सुरक्षा योजनाएं आम आदमी की पहुंच में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों का इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराना और लाभान्वित होना इनकी सफलता का प्रमाण है। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजाति समाज को न केवल उनके अधिकार दिए हैं बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते 1.5 दशक के दौरान जनजाति समाज के हक में अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर उनके जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री ने मध्य प्रदेश में मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव में कही। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार में जनजाति समाज पीछे नहीं है और उसने अपनी संस्कृति तथा परम्परा के साथ विकास के रास्ते को भी चुना है। श्रीमती सिंह ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए आज जब पूरी दुनिया ताकत लगा रही है तब जनजाति समाज ने इसे धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। प्रदेश में पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच चुका है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक के 87% और 15 से 18 वर्ष के 51% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 12 वर्ष से 14 वर्ष के 1,78,000 से अधिक बच्चों को भी दोनों टीका लगाया जा चुका है।
बस्तर संभाग के अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में युवाओं को शांति सुरक्षा तथा विकास कार्य में भागीदार बनाने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस्तर फाइटर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आज से बस्तर संभाग के जिला मुख्यालयों में रोल नंबर अनुसार उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोंडागांव जिले के लिए बस्तर फाइटर्स के कुल 300 पद स्वीकृत हैं, जिसमें सभी पद जिले के मूल निवासियों के लिए ही हैं। कोंडागांव के चिकलपुट्टी स्थित पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं कांकेर जिले में बस्तर फाइटर्स के 300 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 15,000 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें युवतियों के साथ थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी शामिल हैं। दस्तावेजों का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने श्रीनिवास गांधी नेलयम की स्थापना की थी। प्रश्न एक बार फिर से सुने, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने श्रीनिवास गांधी नेलयम की स्थापना की थी। अकम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ने जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, रजिस्ट्रार, प्रदर्शक, सहायक प्राध्यापक के पदों को मिलाकर कुल 765 पदों पर नियुक्तियां की हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बाद अधिकांश पदों पर पदस्थापना भी पूरी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने उबेर कप में खेले गए एक मुकाबले में कनाडा के खिलाड़ी को परास्त किया। इस जीत से आकर्षि के क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। दुर्ग की रहने वाली आकर्षि कश्यप ने इस जीत के बाद कहा कि वे बहुत खुश हैं कि उन्हें भारत को एक अंक दिलाने में कामयाबी हासिल हुई है। अब अगले राउंड में आकर्षि कश्यप का मुकाबला अमेरिका के खिलाड़ी से होगा। वहीं बेमेतरा जिले के बारगांव की रहने वाली डॉली निषाद का चयन राष्ट्रीय स्तर की हॉकी स्पर्धा के लिए हुआ है। बताया जाता है कि डॉली बेमेतरा जिले की पहली हॉकी खिलाड़ी है जिसे राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने का मौका मिलेगा। 11 मई से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप में डॉली निषाद खेलेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात असानी सघन होकर भीषण तूफान में बदल गया है और उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा तटों की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कल तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। इस चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव आने के आसार हैं। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव होगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। असानी तूफान के असर से कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही राज्य के दक्षिणी इलाके में बदली छाई रहेगी और उत्तरी भाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की कोरबा स्थित कुसमुंडा वर्कशॉप में भीषण आग लग गई है। अंतिम समाचार लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दुर्ग से आज रवाना होने वाले दुर्ग भोपाल एक्सप्रेस को लगभग 6 घंटे रीशेड्यूल किया गया है। ये गाड़ी आज शाम के बजाय रात 12:20 पर दुर्ग से रवाना होगी। नारायणपुर जिला कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने छोटे डोंगर के स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा का आकस्मिक निरीक्षण कर मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
जांजगीर चांपा जिले के कोतमी सोनार गांव में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एक किसान से 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में अकलतरा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में रिंग रोड के पास ट्रक का टायर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के पहिए में अधिक हवा थी और गर्मी के दबाव के कारण टायर फट गया, जिससे यह हादसा हुआ। राजनांदगांव में एक चिकित्सक के साथ 14 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में बसंतपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के तिलई गांव में एक महिला की मौत से नाराज होकर चक्का जाम करने के मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच और उप सरपंच सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और दुर्ग जिले के पदनापुर चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। सूरजपुर जिला पंचायत में अनियमितताओं की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीओ जिला पंचायत हटाए गए। प्रदेश में पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंचा। और चक्रवात असानी के कारण प्रदेश के मौसम में भी आएगा बदलाव, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।